दोस्तों, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, हमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 हज़ार फ्लावर्स हमने यहाँ पे प्राप्त करे हैं। ये सब प्लांट्स हमने कटिंग्स और रनर्स से ग्रो करे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्राइसेंथिमम गुलदाउदी, एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट जिसकी खूबसूरती विंटर में देखते ही बनती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने क्राइसेंथिमम पर ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। ढेरों फ्लावरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप उसकी प्रूनिंग सही समय पर करें। आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आप इसके रनर से इसे ग्रो कर सकते हैं। सही समय पर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको ढेरों फ्लावर्स मिलने वाले हैं। प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र, केवल दो चीज़ करके आप अपने क्राइसेंथिमम पे ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। दोस्तों, ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं ना, उसके लिए हमने यूज़ किया है कैस्टर केक, एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये, और विशेष रूप से फ्लावरिंग के लिए सूटेबल है। दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 20 लीटर पानी लिया है और उसके अंदर 1 किलो कैस्टर केक को मिलाया है। इसे 3 से 4 दिन तक रखने के बाद इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 दिन में आपको ऐसी खाद मिलेगी, ये कंसंट्रेटेड होती है, तो आपको इसे डाइल्यूट करके यूज़ करना है। 1 लीटर कंसंट्रेटेड खाद में आपको 20 लीटर पानी मिला के अपने पौधों को देना है। कब देना है ये भी हम आपको बताते हैं। पहली बार आप तब दें अपने प्लांट्स को जब उसके अंदर नई ग्रोथ आने लगे और नए नए लीव्स का फुटान हो। दूसरी बार आपको तब देनी है जब प्लांट के अंदर कलियां बनने लगे। जब कलियां बनती है तब अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देते हैं तो आपके प्लांट के अंदर ढेरों कलियां बनेगी और फ्लावर्स भी बहुत अच्छी तरीके से खिलेंगे और बैठेंगे। ये जो कैस्टर केक की खाद है, इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसके अंदर काफ़ी बैड स्मेल आती है, तो आपको इसे थोड़ा थोड़ा बनाना है और जल्दी से इसे काम में ले लेना है। आइए जान लेते हैं कि प्रूनिंग कैसे करनी है। प्रूनिंग के अंदर आपको जो भी ब्रांचेस हैं इनके सारे टिप्स काट देने हैं। ये हमारी मेन ब्रांच है, जहाँ जहाँ पे सब ब्रांचेज आ रही हैं उनके ऊपर से हमें प्रून कर देना है। इससे होगा ये फ्रेंड्स, यहाँ से जो जो आप नोड्स देख रहे हैं, हर नोड से आपको ब्रांचेज मिलेगी और जितनी ब्रांचेज मिलेगी उतने ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग बैठेगी, तो आपको ये काम ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।